देश में नेता जनता को मुफ्त में चीजें देने का ऐलान करते रहते हैं, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया। इस पर आगे बात करते हैं, पहले इन ऐलानों के बाद मीडिया की भूमिका क्या रहती है उस पर बात करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने जनता को फ्री में बिजली देने का ऐलान किया था या फिर और भी कुछ फ्री में देने का ऐलान किया था, तो मीडिया ने इसे कैसे मुफ्त खोर पॉलिटिक्स बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुफ्त खोर पॉलिटिक्स के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को एक और चुनावी लॉलीपॉप दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को पानी का बकाया हुआ बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। जनता ने ये बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूज चैनल्स पर देखने के लिए बड़ी अच्छी हैं। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश की जनता को फ्री वैक्सीन का ऐलान किया, तो मीडिया ने अब इसे मास्टर स्ट्रोक बताया है। वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। दो हफ्ते बाद से 21 जून से देश भर में मोदी सरकार की तरफ से सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। सारी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन को सभी के लिए फ्री कर दिया है। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। केंद्र ने एक बार फिर टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन, और उस संबोधन में सीधे सीधे बड़ा ऐलान कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण का जिम्मा संभालेगी। वैक्सीन नीति को लेकर बहुत सी सियासी बयानबाजी हुई, बहुत खेला हुआ, लेकिन उस सब पर अब ब्रेक लगने वाला है। आज हम डीएनए में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक संबोधन का विश्लेषण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब भारत सरकार देश में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी और राज्य सरकारों को कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त वैक्सीन की एक तीर से चार निशाने लगाए। लोगों की सेहत की सलामती की गारंटी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा शांत हो सकता है, विरोधियों को चारों खाने चित किया जा सकता है और छवि को और ज्यादा चमकदार बनाया जा सकता है। जब बात मोदी जी की होती है तो वे मुफ्त खोर पॉलिटिक्स नहीं होती, पर अगर कोई और ऐसा करे नेता तो मीडिया उसकी आलोचना करने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।